तो क्या हाल है यार? अगर आपको लुकेज में पसंद है तो यार वीडियो ये आपके लिए। गाइस, अगर आपको जुजुत्सु काइसन पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको डीमन स्लेयर पसंद तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भाई, आप लोग सोच रहे हो यार ये बोलना क्या चाहता जा पूछ क्या। यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो वीडियो पे आपको आगे पता चलेगा। तो यार ज्यादा ना करते, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस एनिमे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ या जिस एनिमे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, शायद ही बहुत ही कम लोग जो है इस एनिमे के बारे में बात करते हैं। मुझे पता नहीं यार कि इस एनिमे के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है और किस एनिमे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो आप लोग समझ जाओगे। गाइस, अगर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि लुकेज, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर एंड सोलो लेवलिंग जैसे एनिमेस पसंद है, ये जो एनिमे है वो आपको डेफिनेटली पसंद आना चाहिए था। बट जैसा कि इस टाइप के जो एनिमेस जैसे मैंने आपको बताया, वो जब आए थे तो वो अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। एंड जो लोग थोड़ा बहुत भी एनिमे देखते हैं ना, तो उनको इन एनिमेस के बारे में नाम पता होते हैं। लाइक जिन्होंने लुकिज्म बगैर थोड़ा बहुत ही देखा है, लाइक ड्रैगन बॉल जी या फिर कुछ भी एनिमेस देखे हैं, तो अगर उनसे पूछोगे तो उनको लुकिज्म के बारे में पता होता है। डिमन स्लेयर, हाँ भाई डिमन स्लेयर के बारे में मैंने नाम सुना है। जुजुत्सु काइसन के बारे में नाम सुना, भले देखा ना हो बट नाम सुना हुआ होता है। बट इस एनिमे के बारे में बात करें तो बहुत ही कम लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुना है। तो अब मुझे पता नहीं यार कि लोग इस एनिमे के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। शायद से इसके पोस्टर को देखकर उन्हें लगता होगा यार कि नॉर्मल राजा महाराजा वाला कहानी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं गाइस कि जो सिर्फ एनिमे के पोस्टर्स वगैरह भी देखकर उसे जज करते हैं, उनके ट्रेलर भी नहीं देखते हैं या फिर रिव्यू नहीं सुनते हैं, बस पोस्टर देखते हैं और जज करते हैं भाई कि ये क्या मतलब बोरिंग सा पोस्टर है। तो ये पुराने टाइप की कहानी के कुछ होंगे तो बोरिंग सा होगा, ये लव स्टोरी वाला तो उसे देखने का कोई फायदा नहीं, या फिर नाम देख कर कि भाई ये नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है तो इसे देखना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण हो सकते, क्योंकि गाइस इस एनिमे का नाम भी बहुत ही बड़ा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मुझे भी यार इस एनिमे का नाम जो है याद नहीं पता कि आई गॉट इन चिट स्किल इन अनदर वर्ल्ड, मतलब इसका इतना ही मुझे नाम याद होता है। पूरा तो यार मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। आखिरकार जो ये एनिमे है वो इतना अंडररेटेड क्यों है? एंड गाइस, मुझे लगता है यार कि इस एनिमे को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। अगर क्यों तो थोड़ी सी कहानी इस एनिमे के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जैसे कि इसी कहानी शुरुआत होती है, जैसे कि आपने लुकेज में देखा होगा उसी तरह से इस कहानी की भी शुरुआत होती है। इसमें एक कैरेक्टर होता है यू या तेंजू। तो इसमें जो कैरेक्टर होता है, पहले तो ये एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है। एंड बात करेगा तो इसकी फिजिकल ये बिल्कुल फिट नहीं होता है, मीन्स इसकी इसका जो वजन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने लुकिज्म में देखा होगा। लुकिज्म में आपको देखा होगा कि किस तरह से जो इसके क्लासमेट्स होते थे, जो भी आसपास के लोग हैं, उसे किस तरह से बुली करते थे। सेम इसी तरह से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आसपास के लोगों से बुली होता था एंड कोई भी लोग इसे पसंद नहीं करते थे। बट एक दिन क्या होता है कि ये अपने रूम में ही होता है एंड गलती से इसे अपने घर के अंदर एक दूसरा दरवाज़ा मिल जाता है। अब उस दरवाजे को जैसे खोलता है तो वहाँ पे उसे एक कमरा मिलता है और कमरे पे एक नोट लिखा हुआ होता है कि जो भी इस कमरे को ढूंढेगा वो इसका मालिक हो जाएगा। असल में गाइस ये कमरा कोई मामूली कमरा नहीं होता है, बल्कि इस कमरे के खुलने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में जा चुका होता है। मीन्स पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे दूसरी दुनिया के बारे में बात हो रहा है जो एक जादुई दुनिया है। तो जैसा कि आपने डीमन स्लेयर या सोलो लेवलिंग में देखा होगा कि वहाँ पे लोग हंटर्स होते हैं जो डीमन्स को मारते हैं, तो यहाँ पे भी वही है। बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए गाइस कि जब ये जैसे ही वहाँ जाता है तो होता क्या है, जैसे कि आपने सोलो लेवलिंग में देखा होगा कि कैसे जो उसका जो मेन कैरेक्टर है सोलो लेवलिंग का, उसके पास कैसे शक्ति आती है कि वो लोगों के जो बारे में है या डीमंस के बारे में जान सकता है, क्योंकि उसके सामने एक चार्ट खुल आ जाता है जैसे कि वो कोई गेमिंग स्क्रीन में देख रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे सेम उसी तरह जो है इस एनिमे में भी होता है कि ये सभी के बारे में जानकारी ले सकता है क्योंकि उसके सामने एक चार्ट खुल जाता है। तो उसका कितना लेवल है, इसके पास कितनी शक्तियाँ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं, सब कुछ जानवर से लेके नॉन लिविंग थिंग्स से लेके पेड़ पौधे सब के बारे में वो जानकारी इससे ले सकता था। एंड गाइस उसके बाद बस इतना ही होता है, वो
ज़्यादा आगे जाता नहीं है, वापस जब वो अपने दुनिया में आ जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एसेट एक्सचेंज का। तो मुझे पता नहीं होता गाइस कि एसेट एक्सचेंज क्या होता है। तो मतलब यार अगर वहाँ पे आप जाकर दूसरी दुनिया में अगर आपने लेवल बढ़ाते हो और डिमन्स को मारते हो तो उसके बदले में आपको जो है आपके स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, आपको पावर मिलता है एंड साथ ही साथ गाइस आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ थी उसमें। तो जैसे ही वो वापस आता है अपनी दुनिया में तो उसको क्या होता है कि एक्सचेंज में पैसे मिल जाते हैं। इतना तो हो गया गाइस। जब वो फिर रात को सोता है एंड जब वो सुबह को उठता है तो होता क्या है गाइस, उसका जो बॉडी वो बिल्कुल चेंज हो जाता है कि वो एक उसका बॉडी एकदम बिल्कुल फिट एंड मस्कुलर एंड सिक्स पैक एब वाले बॉडी जो है वो बन जाता है। तो उसे तो एक टाइम के लिए विश्वास नहीं होता है। तो फिर वो अपना कॉलेज जाता है एंड वहाँ पे लोग देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इतना हैंडसम लड़का देखा हुआ नहीं होता है। तो वहाँ पे वो जाता है, वो बताता है गाइस कि मैं वही हूँ। तो लोग तो एक टाइम के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं पाते हैं कि क्या वो वही लड़का है क्या तेंजू है। फिर बाद में धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगते हैं कि शायद हाँ ये वही होगा। तो उसके बाद गाइस क्या होता है कि ये धीरे धीरे कर कर अपने स्किल्स के थ्रू लोगों को बहुत ही इंप्रेस करता है। ऐसा नहीं गाइस किसके पास स्किल आ गया तो ये बहुत ही एरोगेंट हो गया, ऐसा नहीं। वो जैसे पहले था वैसा भी बदलने के बाद भी वैसा था, लोगों की मदद करता है और कभी लोगों से गलत तरीके से बात नहीं करता है। तो इस तरह से ये लोगों को इंप्रेस करता है एंड उसके आसपास की सभी लड़कियां चाहती है कि वो उसके साथ दोस्ती करे। यहाँ तक कि तो उसके टीचर ने भी उसे एक टाइम के लिए प्रपोज कर दिया होता है उसके इतने सारे स्किल्स देखकर। और अब बात करते हैं गाइस कि दूसरी दुनिया में क्या करता है। तो ये हमेशा दूसरी अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये अपनी दूसरी दुनिया जाता था और वहाँ डीमंस को मार के अपने स्किल्स को एंड अपने पावर्स को बढ़ाता था। तो वहाँ एक टाइम क्या होता है कि वहाँ की एक राजकुमारी को ये बचाता है। तो उसके बाद जो राजकुमारी होती है कि वो चाहती है कि वो इससे शादी करे। तो फिलहाल इस तरह से कहानी बहुत ही बढ़िया है गाइस एंड बहुत ही लंबी है। तो मैंने जो बताया गाइस वो तकरीबन मैंने सिर्फ 20% ही बातें बताया, लेकिन आपको इसमें देखने को बहुत ही कुछ मिलेगा। एंड मुझे लगता है गाइस कि इसके बाद आप इस एनिमे को ज़रूर देखोगे एंड यार आपको ये क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको इसको 13 एपिसोड है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप इस एनिमे सीरीज़ को जाकर देखो। एंड गाइस देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में वापस आकर थैंक यू ज़रूर बोलोगे एंड आप लोग बोलोगे यार कि इतना अच्छा एनिमे है एंड कब से ये छिपा पड़ा था यार, लेकिन हमने इसे इग्नोर किया, हमने इसे देखा नहीं। मुझे लगता है कि अगर आज आप लोग इतना वीडियो देख चुके हो तो आपको शायद वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अरविंद के लिए, बाय।